आवास लेटरिंग गुरे गड्ढा हमें सबका कहूँ कुछ ना बा, कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो आप लोग जैसे शौचालय के कहाँ जाती होंगी? हाँ देखा, एक किलो दो किलो दूरी मोटर जाई था सवेरे संझा, और वो खेत में बैठे ना मिला। अब नहीं, हमारे यहाँ तो शौचालय भी नहीं है और नाली पानी बहने का सुविधा भी नहीं है, और जो है यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको आवास भी नहीं मिला है। आपको हमें सब एकदम रुआई दिया है बहनी, रखत कहाँ शुरुआत है यही गली में जानू, जैसा जिया था हमारा सब जाना था। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फायर 24 में। आज यहाँ पर हैं अंकारीपुर गांव पुरौआ जो बोला जाता है, यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ के गांव की समस्याओं को भी दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, और आगामी जो चुनाव है उनका क्या उस पर कहना है कि किस तरह से वो बदलाव चाहते हैं या किस सरकार को लाना चाहते हैं, क्या इस सरकार से संतुष्ट है, जो सरकारी योजनाओं का दिया गया है क्या उनको जो है लाभ इसका मिला है। थोड़ा सा रखा है उसी में बच्चे गिर जाते हैं, नाला भी इसके नीचे दवा डालते हैं हम लोग। आइए हम थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। बेटा हाथ और सब टूट टूट गया था, लेकिन अब क्या करें, अब रहना है, बच्चे हैं वो उसी पर से आते हैं गिर जाते हैं। समस्या बहुत परेशानी बहनी है, मेरे सबको देखा था रहा दुश्वार बा, शाम के निकले के ना मन कहते, इतना गंदगी रहा था कि हमारे सबके खाना खा दुश्वार रहा, दरवाजा बंद करके खाना खावा जाता है। यहाँ पाइप पड़ा है उसमें साइफन बना है, अब उस साइफन से पानी निकल नहीं रहा है। आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे को भी देखते हैं। तो आप मतलब अपने गांव के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? हम अपने गांव के लिए पूरा लाइट पहला काम, दूसरा ये आपका नाला, नाला दूसरा बने हा? और यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पंचायत का नाम शादी विवाह का घर, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। आगामी चुनाव जो है 2022, चंद महीनों का जो है समय बचा है, तो मतलब किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? हम सरकार ऐसे पे मतलब जैसा है, बीजेपी तो काम थोड़ा बहुत कर रही है, बड़ा बड़ा काम कर रही है, लेकिन महंगाई पे आप जाइए, टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है, आलू 80 रुपया किलो बिक रहा है, चावल गेहूँ फाँका जाएगा, चावल गेहूँ गरीब अमीर मार डाले ले जाए गंगा जमुना में फेंकाए दी है, और हमें सबसे कहा था क्या तकलीफ है, तकलीफ क्या है बताइए आप, ये कोई बात हुई सरकार की? क्या बदलाव चाहते हैं, क्या लगता है कि आपको यहाँ हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या नाली शौचालय इस सब के एकदम व्यवस्था ये नहीं है। इधर अभी रोड पे चलेंगे आप देखेंगे पूरी नाली बजबजा रही है 1 किलोमीटर तक हुआ था, तो ये सारा भरा था यहाँ पर, पानी आगे सब रुकावट हो गया, पानी इधर नहीं जा रहा है, तो अब क्या करा जाए यार, ये काफी समय से ऐसे ही है ना ही अभी जल्दी अशोक साल से मतलब ये पानी भरा हुआ ना, पानी निकल जा रहा, पानी आगे सब रुका हुआ है। सिक्योर तो देख के आए एकदम बरोबर, इधर देखो एकदम पूरा पूरे गांव यही हाल है जी। थोड़ा सा आगे तक हम भी देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ घर भी है और घर के पास पूरा पानी, गंदा पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ निकलने का भी कोई इधर का आप थोड़ा सा आगे तक दिखाइए। नाला बना हुआ है, नाला ये पानी नहीं बह रहा है यहाँ पर, ये सारा मतलब उल्टा बह रहा है, मतलब सबके द्वारे पे पानी। प्रधान ये कहीं मतलब कि बरसात निमुक जाए तब यहाँ के व्यवस्था कराई, और वोट आई के मांग मांग के लिहिन, और जान ले इतना चिरौरी कहके वोट लिहन, तीन चार दाव खड़ा भाई, तो मैंने ये सोचिस कि हाँ मैंने ये सोच के चला भाई नहीं गति जिताई दिया जाए, तो बेटा बहनी बिना दी है थोड़ो जीता है नहीं क्यों ना जीता बनवावे कहा क्यों ना क्यों मैंने मतलब हाँ ना करते ना इनकी हाँ हमें करा है आज के दिन हमारी लड़की यही में गिर गई अब तक परमानंद प्रधान रही परमानंद तेजापुर वाले प्रधान नहीं वो नहीं से हाँ 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 करते ना बनवाई और ये हुई से कहा था इन थोड़ा सा हम देख सकते हैं हाँ देख अंदर तक थोड़ा सा दिखाएंगे बंद कर दिया। आप दिखाइए आप जो गैस आपका है कहाँ पर है, जो आपने कहा कि भी मुझे लाभ मिला है उसका गैस, गैस मिला तो है। बड़े वाला लड़का का है ना, वो घर जो है उसमें रहते हैं, ये चूता है जब तक मड़ाई हाँ चूता है तो उसमें बनाते खाते हैं
हाँ और पर रहते हैं इसी में, यही बनाते खाते थे। जरा आप इधर कैमरा को घुमाइएगा कि यहाँ खाना बनता है। ये हमारे नहीं है ना, माता जी का कहना है कि हमारे पास आदमी भी नहीं है, हमारे पास आवाज़ भी नहीं है, बड़ा वाला लड़का है उसी को मिला है और हम यहाँ पर बना खा रहे हैं, इसी में इनका जीवन यापन हो रहा है। आप थोड़ा सा कैमरा अंदर तक दिखाइएगा, किस तरह से दिखाइएगा इधर। दीवार है वो वाला। अच्छा आपका इतना है? हाँ, यही मढ़ा है। और कौन कौन है परिवार में आपके? हमारे परिवार में 2-3 बच्चे हैं और एक लड़की है, उसकी शादी है मौके से यहीं पर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगले घर के तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप आइए। बंद कर दीजिए। वैसे आपका नाम क्या है? शांति। तो यहाँ पर शांति जी हैं, इनका यह घर है, आप दिखाइए। शांति का इनको अभी कह रही हैं कि मुझे आवास नहीं मिला है, और शौचालय आपके पास है? नहीं, शौचालय भी इनको नहीं मिला है। तो ये गांव की समस्या है जो आप देख ही रहे हैं। गांव का नाम ये बता रही हैं कि अकारी का पुरौआ है। और हम और जानेंगे, हमारे साथ एक माता जी और हैं, थोड़ा सा कहेंगे कि उनके तरफ कैमरा घुमाइएगा। मैं जानती हूं उनसे थोड़ा सा कि उनके पास क्या सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा दी गई हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? हम नहीं बोलेंगे। अरे बताइए इसमें क्या नाम है भाई? चमेला। अच्छी बात है। तो आपको जो सरकारी सुविधाएं लागू की गई, क्या आपको मिला है? काम मिला है, हमारे पास राशन पानी है, मिलता है, और क्या। शौचालय बना है? शौचालय नहीं बना है। आवास? कुछ नहीं मिला हमारे। आपने इसके लिए प्रयास किया कहीं? नहीं जी। तो ये बता रही कि अभी तक मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है। तो हम और भी जानते हैं, गांव की कुछ महिलाओं से और भी बातचीत करते हैं। तो कैमरामैन आपसे हम चाहेंगे कि, हमारे साथ एक दादी जी हैं यहाँ पर दिख रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या है। जी दादी जी। हाँ बोलिए। आपको क्या क्या लाभ मिला जो सरकार के द्वारा? लाभ मिला हमारे सब का। हाँ हाँ, परेशान है।